क्रीम चॉकलेट चिप कुकी की रेसिपी। ये मेरे पास चॉकलेट चिप कुकी की मिक्सचर है जो मैंने मिक्स हुआ हुआ है, खुला हुआ लाया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये चॉकलेट पड़ी हुई है ऑलरेडी। ये यहाँ पे हमें बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मेरे पास ये एक एग है, ये मेरे पास मैं बटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें मार्जरीन यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास मार्जरीन है, इसमें से हम 1.5 से 2 चम्मच मार्जरीन डालेंगे, एक एग डालेंगे। ये मेरे पास ट्रे है जिसको मैंने पहले से ऊपर फॉइल लगा के रख दी। ये मेरे पास 2 कप चॉकलेट चिप कुकी का मिक्सचर है जो हमने मिक्स हुआ हुआ लाया है। इसमें एक एग, मैंने एक एग डाल दिया, 2 चम्मच माजुइन, ये फैट फ्री है इसलिए डाल रही हूँ, ये तकरीबन 2 चम्मच हो गई है, ये डालिए। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके एक डो की शेप में बना लेते हैं। इसको लिक्विडी नहीं बनाएंगे, इसको डो की शेप में बनाएंगे। चलो मिक्स इसको मिक्स करती हूँ और फिर मिक्स करने के बाद आपसे मिलती हूँ। इसके बीच मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, अब ये देख सकते हैं मैंने जस्ट इसको हाथ के साथ डो की शेप में बना लिया है। इसके बीच 1 अंडा और 2 चम्मच माजरीन डाली है। माजरीन इसलिए डाली है कि वो फैट फ्री होती है, तो इसलिए। अब हम किसी चम्मच की मदद से इसको शेप देंगे, ऐसे राउंडेड बना के ट्रे में रखेंगे। फिर ओवन मैंने 350 गरम किया हुआ है, 350 पे उसमें हम इसको 12 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। मेरे पास ये आइसक्रीम स्कूटर है जिससे मैं इजी से उठा के इसके ऊपर ये डाल दिया, आप ये देख सकते हैं। अब किसी भी चीज़ से उठा के डालने ज़रूरी नहीं कि आपके पास तो यही होना चाहिए। ये इस एक ट्रे में तकरीबन 6 आई हैं क्योंकि मैं ज़्यादा इसको नहीं डालना चाहती, फिर जब वो बड़ी हो जाती हैं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। आप ये देख लें, इनको मैं ओवन में रखने चलती हूँ। ये भी ओवन में पक रही हैं,